नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको बताऊंगा फाइव एलिमेंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन। पेरिकार्डियम मेरिडियन के पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं, पांच तत्व कौन से हैं, या यूं कह लीजिए पांच महाभूत कौन कौन से हैं, पांच तत्व कौन से हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर मेरिडियन में पाँचों मेरिडियन का पाँचों तत्व का एक एक पॉइंट होता है। इसी तरह पेरिकार्डियम मेरिडियन में भी फाइव एलिमेंट, जिनको हम फाइव एलिमेंट पॉइंट बोलते हैं, पेरिकार्डियम में भी है। जो वो कौन से पॉइंट है और उनका क्या काम है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा इसको, बुरा देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का भी पॉइंट है। साथ ही साथ मैं आपको पेरिकार्डियम मेरिडियन का हॉररी पॉइंट भी बताऊँगा, जो कि आपके सिलेबस में महाराष्ट्र में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है आपके। देखिए जो फाइव एलिमेंट पॉइंट होते हैं उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हार्ट का बता चुका हूँ, लंग्स का बता चुका हूँ, आज मैं आपको पेरिकार्डियम का बताऊँगा। पेरिकार्डियम मेरिडियन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक इन मेरिडियन है, इसमें टोटल 9 पॉइंट होते हैं। ये यहाँ से शुरू होकर आपके मिडिल फिंगर पर ख़त्म होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी इन मेरिडियन है उसका जो पहला एलिमेंट पॉइंट होता है वो वुड पॉइंट होता है। पहला यानी कि स्टार्टिंग का, जैसे हमको बोलते हैं स्टार्टिंग मीन्स पहला या लास्ट पॉइंट, उंगलियों से जो स्टार्ट होता है वो चाहे पहला पॉइंट हो चाहे लास्ट पॉइंट हो, या पैर के टॉस से जो स्टार्ट हो वो पहला या आखिरी जो पॉइंट होता है वो वुड पॉइंट से स्टार्ट होता है। वो पहला पॉइंट भी हो सकता है, वो लास्ट भी हो सकता है। जैसे हमने लंग्स मेरिडियन में देखा था कि LU11 था, हार्ट में देखा था H9 था, इसी तरह से इसमें भी लास्ट पॉइंट वुड पॉइंट होगा या पहला पॉइंट हमको स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से किनारे थे, इस तरह से हम गए थे, फिंगर की तरफ से गए थे या टोज की तरफ से जाएंगे, तो पहला इस हिसाब से पहला मानेंगे हम कि फिंगर की स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग से है, फिंगर या टोके। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला कि P9, ये वुड पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का। वुड पॉइंट है, कहाँ पर होता है सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ पेरिकार्डियम मेरिडियन P9 पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये देखिए सेंटर में, मिडिल फिंगर के सेंटर में, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन का P9 पॉइंट है, देख लीजिएगा आप सब। ये देखिए ऐसा ही दोनों उंगलियों में है ये पॉइंट, सेम जगह पे दोनों तरफ है पेरिकार्डियम का। और सुजोक वालों के लिए भी बता देता हूँ कि कहाँ पर है। सुजोक वालों के लिए देखिए ये पॉइंट है आपके इंडेक्स फिंगर में, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका P9। ये देखिए ये पॉइंट P9 पॉइंट है, दोनों तरफ से इंडेक्स फिंगर में है P9 पॉइंट। ये देखिए P9 पॉइंट है, ये P9 पॉइंट है। इसका काम क्या होता है अब मैं आपको बता दूं। इसमें मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है P9। इसके अलावा स्पीच डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, बोलने में परेशानी होना, टंग का स्टिफनेस हो जाती है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है आपका P9। इसके अलावा धमनियों के लिए मास्टर पॉइंट है, आर्टरीज़ के लिए मास्टर पॉइंट है। कितनी भी आपके शरीर की धमनियाँ जब अकड़ने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा लू लगना में भी इसका हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जिंगवेल पॉइंट भी है, जिंगवेल पॉइंट है यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में बहुत काम का पॉइंट है ये। किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा हो, पैरालिसिस अटैक आ रहा हो, तो उस टाइम तुरंत आपको इसमें भी ट्रीटमेंट देना है, इसको भी प्रेशर करना है P9 को, ब्लड लेटिंग भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये वुड पॉइंट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फायर पॉइंट, ये है P8, पेरिकार्डियम मेरिडियन का P8 पॉइंट फायर पॉइंट है, याद रखिएगा फायर पॉइंट है। और साथ ही साथ ये हॉररी पॉइंट भी है, पेरिकार्डियम मेरिडियन का हॉररी पॉइंट भी है। हॉररी पॉइंट जैसे कि हम जानते हैं कि आपको 7 to 9 कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप P9 पर ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट से ट्रीटमेंट देकर आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इस टाइम ट्रीटमेंट देने से पेरिकार्डियम आपका टोन होता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसकी जो भी बीमारियाँ होती है वो निकल जाती है अगर आप इस टाइम इसमें आप हॉररी पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं। हॉररी पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, या अगली सीरीज़ में बताऊँगा, स्टूडेंट लोग हमारे जानते हैं जो मेरे से पहले पढ़ रहे। यह हथेली की चमड़ी में अगर आपके गांठ हो जाती है, दर्द होता है, उंगलियां मुड़ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए कि आपके पेरिकार्डियम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
हथेली मोड़ने में दर्द हो रहा है या गांठ हो रही है यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। P8 पॉइंट है कहाँ पर, ये देखिए, उसका मैं एक टेक्निक बता देता हूँ आपको। इस तरह से आपको मिडिल फिंगर को फोल्ड कर इस तरह से जहाँ ये टच होगी, ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया, और ये जहाँ टच होगी, ये देखिए यहाँ, ये मिडिल फिंगर, ये आपका P8 पॉइंट है। ये देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से देख लीजिएगा P8 पॉइंट। ये देखिए इस तरह से हम फिंगर को मोड़ के यहाँ टच कराएंगे, तो ये आपका P8 पॉइंट है। इसी तरह दोनों हाथों में आपको देखना है, इसमें भी इसी तरह देखेंगे आप, इस तरह से ये देखिए, ये आपका P8 पॉइंट है। मिडिल फिंगर जहाँ टच हो रही है मोड़ने के बाद, ये आपका P8 पॉइंट है। और सुजोग पालों के लिए P8 पॉइंट कहाँ पर है, हॉररी पॉइंट, ये देखिए सेंटर में, ये P8 पॉइंट है, ये दोनों इंडेक्स फिंगर में है P8 पॉइंट सेम जगह पर, ये देखिए ये P8 पॉइंट है। फायर पॉइंट, ये जैसे कि मैंने बताया, इसके अलावा ये बॉडी हीट जो होती है उसको कम करता है, माउथ अल्सर हो जाते हैं उसको कम करता है, हाथ पैरों में स्वेटिंग का आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है हाथ पैरों में, बिल्कुल भीग जाते हैं चप्पल, उनके हाथ भीग जाते हैं, तो उसके लिए भी P8 पॉइंट बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाथों में ट्रेमर होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वोमिटिंग होती है उनके लिए भी अच्छा है, कार्डियक पेन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दर्द होता है, तो उसमें भी आपको P8 का यूज़ करना है। इसके अलावा मुंह से जिनको स्मेल ज़्यादा आती है वो लोग भी P8 पर ट्रीटमेंट देकर मुंह से बदबू का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेंस के लिए, एक वेंस की आपको वेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अर्थ पॉइंट की, P7 पॉइंट, अर्थ पॉइंट, देखिए अर्थ पॉइंट कहाँ पर है, ये देखिए, ये आपका सेंटर में रिस्ट क्रीज पर, ये आपका है, ये देखिए ये अर्थ पॉइंट है। मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको अर्थ पॉइंट कहाँ है, ये देखिए ये आपका अर्थ पॉइंट है। दोनों हाथों में ये सेम जगह है, और सुजोक वालों के लिए भी दिखा देता हूँ अर्थ पॉइंट कहाँ पर है, ये देखिएगा, ये सुजोक वालों के लिए इंडेक्स फिंगर में है, ये देखिए, और ये देखिए जॉइंट पर आपका अर्थ पॉइंट है। P7 अर्थ पॉइंट मतलब कि P7 पॉइंट ही अर्थ पॉइंट है, पेरिकार्डियम मेरिडियन का P7 पॉइंट को हम अर्थ पॉइंट बोलते हैं। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है, इसके अलावा ये स्पेसिफिक पॉइंट भी है, और साथ ही साथ ये शू स्ट्रीम पॉइंट भी है। तो याद रखिएगा इतना आपको, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट का भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, स्पेसिफिक पॉइंट भी है। किसके लिए है स्पेसिफिक पॉइंट, धमनियों के लिए, हार्ट आर्टरीज के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, हार्ट आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको P7 पर ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा स्टमक पेन, स्टमक डिसऑर्डर जितने भी है उसमें काम आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में ये काम आता है, हील पेन में काम आता है, रिस्ट पेन में काम आता है, स्किन डिसऑर्डर में भी, किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम रहेगी तो आप ये ट्रीटमेंट अन्य पॉइंट के साथ पेरिकार्डियम पर भी आपको ट्रीटमेंट देना है। हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, क्योंकि आर्टरीज को ये खोलता है तो हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आ रही है और विचार आते जा रहे हैं, या विचारों की वजह से नींद नहीं, आपके निरंतर विचार चलते रहते हैं जिन लोगों के दिमाग में, उनके लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है P7। इसके अलावा ये छाती में तनाव हो या दर्द हो उसके लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है P7 पॉइंट। अभी बात हो गया हमारा, ये देखिए हमारा हो गया वुड पॉइंट, हो गया फायर, हो गया अर्थ, हो गया अभी है मेटल पॉइंट। ये है मेटल पॉइंट है, देखिएगा आपका P5 मेटल पॉइंट है। कहाँ पर है इसकी सबसे पहले लोकेशन देख लीजिएगा कि कहाँ पर, ये देखिए चार उंगली इस तरह से आप रखेंगे यहाँ पर, रिस्ट क्रीज से चार उंगली रखेंगे तो ये पॉइंट आपके इसके नीचे, ये पॉइंट आपका P5 पॉइंट है। ये भी बहुत काम का पॉइंट है आपका P5, पेरिकार्डियम 5 पॉइंट मेटल पॉइंट, बहुत काम का पॉइंट है। चाइना में इसको भूत भगाने के लिए सिंगल पॉइंट भी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिन लोगों को भूत लगता है कि भूत आ रहे हैं, भूत का अटैक हो रहा है, तो उसके लिए कभी कभी इस सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से भी आराम हो जाता है।
इसके इंसिडेंट एक इंसिडेंट पर मैंने P7 पर एक वीडियो भी बनाया, वो आप मेरा जाके देखिएगा कि P7 के लिए कि एक लड़की को कैसे कुछ ऐसा लगता है कि उसके साथ रेप हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया और उसको कैसे ट्रीटमेंट देके असर हुआ था, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा। P5 देखिए, एक जैसा कि मैंने बोला कि ये इसका मेटल पॉइंट है, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा ये पेल्पिटेशन में यूज़ होता है, इंसोमनिया में यूज़ होता है, ये नींद नहीं की प्रॉब्लम रहती है उसमें होता है, चेस्ट पेन होता है, नर्वस सिस्टम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सपने अधिक आते हैं, बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे अगर डरते हो, रात को जगकर रोने लगते हो, डर की वजह से रोने लगते हो, तो आप उनके इस पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, P5 पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बच्चे अगर जिद्दी हो तो भी अन्य पॉइंट के साथ ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है, P5 पॉइंट बच्चों का जिद्दीपन को दूर करने के लिए भी आप इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हो गया अभी हमारा मेटल पॉइंट। अभी जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा P3 वाटर पॉइंट, पेरिकार्डियम मेरिडियन का वाटर पॉइंट। वाटर पॉइंट कौन सा है, P3 की लोकेशन कहाँ है, देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा लंग्स 5 है, इसको ऐसा मोड़ने पर जो ये हड्डी आती है हड्डी की इस साइड, और यहाँ पर ये आपका P3 पॉइंट है। ये देखिए, ये हैंड ट्रेमर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पहले मैं आपको बताऊं कि सुजोग में कहाँ पर आता है, सुजोग में देखिए ये है P3, इंडेक्स फिंगर पर आता है सेंटर में। ये देखिए, ये P3 पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसा मैंने बताया कि आपको P3 वाटर पॉइंट है, ये एल्बो से रिलेटेड हाथों की कुछ प्रॉब्लम हो, एल्बो की कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत बढ़िया है। एल्बो के लिए स्पेसिफिक पॉइंट भी माना जाता है, इसको याद रखिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट में एल्बो के लिए स्पेसिफिक पॉइंट भी है ये। इसके अलावा ये ड्राइनेस ऑफ टंग एंड थ्रोट में ड्राइनेस हो जाती है तो उसमें भी काम आता है। अपर वार्मर की कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो अपर वार्मर की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें भी बहुत काम का पॉइंट है ये। इसके अलावा चाइना में जब पतले दस्त और वॉमिट होते हैं, उल्टी आती है, तो इस पॉइंट पर ब्लड लेटिंग करने से 2 बूंद निकालते हैं और उनको बहुत आराम, चमत्कारिक रूप से आराम मिलता है। ऐसे हमारे के आदरणीय खेमकर सर ने अपनी ट्रीटाइज 2 में लिखा है कि यहाँ पर 2 बूंद ब्लड लेटिंग करने से लूज मोशन और दस्त के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा ये ट्रेमर हैंड में ट्रेमर का जैसे मैं बता चुका हूँ उसके लिए बहुत बढ़िया है, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी आज कर से। इसके अलावा मूड को अच्छा करने के लिए, एंजाइटी के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है, P3 पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी ढेरों जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट नहीं हैं, अपना इलाज करना चाहते हैं, तो भी मेरे बहुत से वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनको देखकर आप अपनी बीमारी का इलाज कर पाएंगे, तो इस वीडियो को जल्दी से, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।